नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा पार्लियामेंट में हाल ही में पास किए गए 3 कृषि संशोधन विधेयकों के बारे में। ये तीनों ही फार्म बिल जो अभी पास किए गए हैं और राष्ट्रपति के द्वारा अभी अप्रूव होना इन्हें बाकी है, ये किसान विरोधी क्यों कहे जा रहे हैं, इनमें ऐसी क्या बातें हैं जो किसानों को लग रहा है कि गलत हैं, उन सभी बातों को मैं आपको बताऊंगा और अल्टीमेटली आप खुद तय कर सकते हैं कि किसान विरोधी है या नहीं। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर मुझे महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और मेरे लेक्चर्स के PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। अगर आप 2021 के लिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ ऐप के माध्यम से आप घर बैठे इस तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। स्टडी IQ की वेरियस फैकल्टीज के द्वारा बनाया गया है UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए ये स्मार्ट कोर्स, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा सभी सब्जेक्ट्स का और ये कोर्स EMI ऑप्शन पर भी अवेलेबल है। कुछ ही दिन पहले भारत की संसद के दोनों सदनों में 3 कृषि संशोधन संबंधित विधेयक पारित किए गए। ये तीनों फार्म बिल, जिनको शॉर्ट में मीडिया में फार्म बिल्स कहा जा रहा है, इनके लंबे चौड़े नाम हैं, ये तीनों पास किए गए और इनमें राज्यसभा में जब ये पास हुए तो बहुत हंगामा भी हुआ। वो हंगामा क्यों था इसके ऊपर अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बेसिकली वहां पर ऑपोजिशन का जो विरोध है उसे दर्ज नहीं किया गया और वॉइस वोट के द्वारा उसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था। तो इस वक्त एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं 23 सितंबर को, तीनों ही बिल राज्यसभा से भी पास हो चुके हैं। एक अटक गया था 20 सितंबर को, वो भी अब पास हो चुका है। तो अब तीनों ही बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास हो चुके हैं लेकिन अभी तक राष्ट्रपति की मोहर उन पर नहीं लगी है। ये तीनों ही विधेयक पहले ऑर्डिनेंस के रूप में लाए गए थे जून महीने में, उस समय भी इसके खिलाफ थोड़ा बहुत विरोध हुआ था लेकिन जो बड़े स्तर पर विरोध है वो सितंबर के महीने में शुरू हुआ, क्योंकि संसद का सत्र चालू हुआ और सरकार ने अपनी मंशा जताई कि ये तीनों ऑर्डिनेंस बिल के रूप में पास किए जाएंगे। तो इसके खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे उत्तरी राज्यों में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि देश में और कहीं प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, पूरे देश में किसान फार्म बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट RSS और भाजपा का जो सहयोगी संगठन है भारतीय किसान संघ BKS, उसने भी इन विधेयकों का विरोध किया था। हालांकि सड़कों पर नहीं उतरे लेकिन उन्होंने भी ये बात कही कि इसमें इश्यू है और हमने सरकार को इस बारे में अवगत कराया था, हम भी इसके खिलाफ हैं। तो इन कृषि विधेयकों का इतना विरोध क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले तो आपको इन तीनों के नाम जानने होंगे, नाम डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तीन है तो चौथा ऑप्शन गलत देकर पूछ लेंगे, लंबे चौड़े थोड़े नाम है, ध्यान से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। अब सभी जगह मैंने बिल शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि एज ऑफ राइट नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं राष्ट्रपति द्वारा इन पर मोहर नहीं लगाई गई है। हो सकता है कि जब आप 5-7 दिन 10 दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये एक्ट बन चुके हो। अब इन तीनों बिल्स में क्या मेजर पॉइंट्स हैं और उनका विरोध क्यों हो रहा है ये मैं डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी हमने एक डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में स्टडी IQ पर बनाया था कि इन बिल्स में क्या है, वो वीडियो 5-6 दिन पहले अपलोड हो चुका है तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं पहले बिल की। इसके दो मेजर पॉइंट्स हैं। पहला ये कि ये बिल कहता है कि अब भारत में कहीं पर भी किसान के द्वारा अपनी उपज को बेचा जा सकता है, कोई इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर नहीं है, किसान चाहे जहां जाकर अपनी फसल को बेच सकता है। दूसरा, प्राइवेट मंडीज एस्टैब्लिश करी जा सकेंगी। प्राइवेट मंडी का मतलब क्या है आपको आगे समझ में आएगा, अभी क्या एग्जिस्टिंग सिस्टम है पहले आप उसे समझो। भारत में 1950s में APMC स्थापित करी गई थी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, जिन्हें हम आमतौर पर कृषि मंडी कहते हैं, उत्तर भारत में यही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो कृषि मंडियां जो आप देखते हैं शहरों में, छोटे शहरों में, टाउन्स में, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं वो तो इससे भली भांति वाकिफ होंगे। तो ये लगभग 7,000 APMCs हैं पूरे भारत में और इनमें क्या होता है, इनमें किसान अपनी उपज को लेकर जाते हैं, जब फसल कटती है तो इस तरह से ट्रैक्टर भर भर के किसान लेकर आते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, फिर आकर यहां पर वो अपनी फसल को बेस्ट प्राइस पे बेचने का काम करते हैं। अब बेस्ट प्राइस पे किसको बेच रहे हैं, सरकार को नहीं बेचते, यहां पर मिडल मैन होते हैं। मिडल मैन ये कोई गलत टर्म नहीं है, इसका आप नेगेटिव मतलब मत समझिए, मिडल मैन का बस इतना सा मतलब है कि जो सब्जी वाला या जो दुकान वाला आपको अनाज बेच रहा है उसके और किसान के बीच में ये व्यक्ति बीच में है, मिडल मैन है। तो इसे उत्तर भारत में आढ़तिया कहते हैं, स्पेशली पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में इन्हें आढ़तिया कहा जाता है। तो ये जो आढ़तिया होते हैं ये लाइसेंस्ड मिडल मैन है, सरकार इन्हें लाइसेंस देती है, APMC में इन्हें दुकानें दी जाती है, इन्हें स्टोरेज फैसिलिटीज एटसेट्रा दी जाती हैं। तो ये खरीदते हैं किसानों से उपज को और फिर आगे बेचते हैं किसको, रिटेलर्स को या बड़े बड़े ट्रेडर्स को।
तो जब आप दुकान पे जाकर अनाज खरीदते हो, मान लो कि आज मैं किसी किराने की दुकान पे जाकर 10 किलो गेहूं खरीदता हूं, तो उस दुकान वाले ने डायरेक्टली किसान से नहीं खरीदा है, उसने किससे खरीदा है, इन आढ़तियों से। और ये जो एपीएमसीज हैं, इनमें कई लोग काम करते हैं, स्टोरेज होता है अनाज का, इस अनाज को शिफ्ट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो कई लेबर होती है, अकाउंटेंट्स इनके साथ काम करते हैं, तो ये अपने आप में एक पूरा थ्राइविंग इकोसिस्टम है जिनको कहते हैं हम सरकारी मंडी। अब इस नए कानून से बदलाव क्या आएगा? देखो, अभी तक क्या होता था, कोई भी फेमस आटे का ब्रांड है, आजकल पैक्ड आटा आता है, जैसे कि आशीर्वाद आटा एटसेट्रा के ब्रांड मिलते हैं। तो मान लो मेरी कंपनी है महिपाल आटा नाम से, मैं आटे का ब्रांड निकालता हूँ, तो पहले मुझे क्या करना पड़ता, आढ़तियों के पास जाता, उनसे गेहूं खरीदता, अपनी फैक्ट्री में उसे पीसता और आगे उसको पैक करके मार्केट करता, मैं दुकानों में बेचता 5 किलो 10 किलो के पैकेट में। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं डायरेक्टली किसानों से जाकर गेहूं खरीद सकता हूँ। तो फार्मर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो बीच वाले मिडल मैन यानी आढ़तिया को बाईपास करके डायरेक्टली इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कि मेरे जैसे कंपनी वाले लोग उन्हें बेच सकें, हम डायरेक्टली एग्रीमेंट कर लेंगे कि इतने प्राइस पर खरीद लेंगे। तो ऑन पेपर ये स्कीम बहुत अच्छी है, जैसे कि इस वक्त गेहूं का एमएसपी है 1925 रुपये, पिछली बार का एमएसपी था ये 1925 पर क्विंटल, अभी के लिए 2000 मान लो इसको, ठीक है एग्जाम्पल के लिए मैं 2000 ले रहा हूँ। तो जहां पे सरकारी खरीद का भाव 2000 है, नॉर्मल आप आढ़तियों को बेचेंगे तो 1800 1900 तक आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी से खरीदने आती है तो वो 2200 2300 2400 रुपये पर क्विंटल भी दे सकती है, तो यहां पर किसानों का फायदा होगा। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लो कि अगर एपीएमसी में बेचने की पावर नहीं है उस किसान के पास, तो मैं किसानों को जाकर यानी महिपाल आटा का ओनर, मैं जाकर उन्हें बोल सकता हूं कि मैं तो 1600 रुपये पर क्विंटल में ही खरीदूंगा, बेचना है तो बेचो। तो ये स्थिति भी आ सकती है और किसानों को लग रहा है ये स्थिति आएगी, क्योंकि ज्यादातर किसान देश के 85% छोटे किसान है। छोटे किस सेंस में, उनके पास जो जमीन है जिस पर वो खेती करते हैं वो 2 हेक्टेयर से कम है, इसीलिए उन्हें सरकार क्लासिफाई करती है एज स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। तो वो फार्मर्स, 85% फार्मर्स देश में ऐसे हैं जिनकी जमीन छोटी है, तो उनके पास बहुत ज्यादा उपज नहीं होगी। अब अगर आपके पास बहुत ज्यादा उपज है तो आपके पास नेगोशिएटिंग पावर है, आप बड़ी कंपनी से भी भावताव कर सकते हो, लेकिन महिपाल आटा से नेगोशिएट करने का ज्यादातर किसानों के पास मादा नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कितनी उपज होगी, मैक्स टू मैक्स वो मुझे 1 टन 2 टन जितना अनाज दे देंगे, इससे ज्यादा उनके पास नहीं होगा बेचने के लिए, और उन्हें लगेगा कि जो भी भाव मिल रहा है वो ले लिया जाए। तो लार्ज स्केल बायर जब सामने होगा तो ये एक तरह का अनइक्वल सौदा हो जाएगा, यानी कि यहां खरीदने वाला बहुत ताकतवर है, बेचने वाला है कमजोर। किसानों को दूसरा बड़ा डर यह है कि ये प्राइवेट मंडियां एपीएमसी को बंद करवा देंगी। कारण क्या है कि देखो, अगर एपीएमसी में यानी सरकारी मंडी में खरीद फरोख्त नहीं होती है तो सरकार उसको मेंटेन क्यों करेगी, उसका अपना अलग खर्चा होता है, उसको मेंटेन करना आसान नहीं है। तो वहां पर जब एपीएमसी बंद होगी तो अल्टीमेटली किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, उन्हें उन्हीं प्राइवेट कंपनीज को अपना प्रोड्यूस बेचना पड़ेगा। और अभी क्या होता है, एपीएमसी में जो भी खरीद फरोख्त होती है उस पर एक टैक्स लगता है 3% 4.5% डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, तो उस स्टेट का जो टैक्स है वो टैक्सेस प्राइवेट मंडी में नहीं होगा, तो उसके कारण जो कंपनीज हैं वो ऑब्वियसली प्राइवेट रूट के थ्रू ही जाएंगी, उनको वो टैक्स बचाना होगा, तो वो एपीएमसी के थ्रू खरीद फरोख्त नहीं करेंगी जैसा कि अभी होता है। इस कानून का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट सरकार ये एडवर्टाइज कर रही है एक तरह से, कि यहां पर ज्योग्राफिक रिस्ट्रिक्शन हमने हटा दिए हैं। तो पहली बात तो ये समझ लो कि किसान पर भारत में कभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, वो जहां चाहे अपनी उपज जाकर बेच सकता था। हाँ, जो आढ़तीय हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं उन पर रिस्ट्रिक्शंस थे, आढ़तीय इधर से उधर जाकर नहीं बेच सकते थे, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल किसान अपनी कैपेसिटी में अपना जो उपज है उसको ले जाकर किसी और राज्य में बेचना चाहता था तो वो कर सकता था और करते भी हैं कई किसान। लेकिन यहां पर मेन फैक्टर क्या आता है कि ट्रांसपोर्ट पर खर्चा आता है, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज पर भी। मान लो कि आप अपने राज्य में आपको अच्छा भाव नहीं मिल रहा है उपज का, आप दूसरे पड़ोसी राज्य में लेकर गए, 500 800 किलोमीटर आपने ट्रांसपोर्ट भी करवा दिया, लेकिन वहां पर अगर आपका सामान उपज नहीं बिकता है तो फिर उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा, वेयर हाउस चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, तो ये सब दिक्कतें होती है। इसलिए ज्योग्राफिक रिस्ट्रिक्शन हटाना ऑन पेपर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगेन प्रैक्टिकली अगर आप इसे देखें तो ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि अगर किसान को ही ट्रांसपोर्ट का जो बोझ है वो उठाना पड़े तो वो उसके लिए इतना फायदेमंद साबित नहीं होगा। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स का भी एक कंसर्न है, एपीएमसी में जो भी खरीद फरोख्त होती है उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, इससे सरकार के लिए भी एक आमदनी जनरेट होती है। अगर एपीएमसी बंद हो जाती हैं या फिर यहां पर खरीद फरोख्त कम हो जाती हैं तो राज्य सरकारों के लिए एक आमदनी का जरिया चला जाएगा। इन एपीएमसी मंडियों में लाखों मजदूर भी काम करते हैं, बोरियों को इधर से उधर करना, अकाउंटेंट्स काम करते हैं हिसाब किताब का, इन सबके जॉब्स पर भी असर पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे बिल पर, एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, जिसको मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल कहूंगा, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में लीगल बातें कही गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है, अगेन
महिपाल आटा वाला एग्जाम्पल ले लो, मेरी कंपनी है, मैं आटा बेचता हूँ मार्केट में, तो मुझे गेहूं खरीदना होगा, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली किसानों के साथ जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा साइन, और उस कॉन्ट्रैक्ट में मैं तय करूंगा कि अभी आप फसल बो रहे हो, रबी की जो फसल है गेहूं, और उस फसल को जब आप काटोगे, हार्वेस्ट करोगे मार्च अप्रैल के महीने में, जब आप मुझे बेचोगे, तब मैं आपको 2200 रुपये पर क्विंटल का रेट तय करके अभी से बोल देता हूँ कि दूंगा। तो 5-6 महीने पहले ही एग्रीमेंट हो जाएगा कि इतने रुपए में आपको फसल बेचनी है। किसान के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कई बार बम्पर फसल हो गई तो अचानक से रेट डाउन आ जाते हैं, तो हो सकता है कि उस समय मार्केट में 1800 रुपये का भाव हो, लेकिन इस किसान को जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसे 2200 रुपये का भाव मिलना तय है। ओके, अगेन बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे कि अब महिपाल आटा हो गया या फिर कई सारे ब्रांड्स हैं जो इस तरह से सब्जियां आजकल बेचते हैं एयर कंडीशन शॉप्स में, तो इनको डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचना होता है, तो ये किसानों से खरीद सकते हैं, बीच में अगेन मिडलमैन चला जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट से काफी फायदा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम अब ये होगी कि ये जो कंपनीज हैं जो डायरेक्टली कस्टमर्स को अनाज या फिर फ्रूट्स या सब्जियां बेचती हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर जियो मार्ट, केवल एक जियो मार्ट ही नहीं है, देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, पर अभी ये नई कंपनी है तो थोड़ा इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो अगर आप अभी इसके होम पेज पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल अमेजोन की तरह एक स्पेशल डील मिलेगी, जैसे अमेजोन पर डेली डिस्काउंट आते हैं किसी ना किसी प्रोडक्ट पर, वैसे ही यहाँ पर देखो आज मक्कई पे डिस्काउंट मिल रहा है, मौसमी पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो अब यहाँ पर मौसमी 44 रुपीज पर केजी की है, लेकिन ये डेली इतने रुपए में नहीं बिकेगी, है ना। कुल मिलाकर इन कंपनीज को एस्टैब्लिश होने के लिए मार्केट में डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो शुरुआत में इनके पास फंडिंग अच्छी है, तो ये किसानों को भी अच्छी प्राइस दे सकते हैं, कस्टमर्स को भी अच्छे डिस्काउंट दे सकते हैं, लेकिन ये मॉडल हमेशा के लिए सस्टेनेबल नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमेजोन। आज से 7 साल पहले जब अमेजोन भारत में आया था, तब किताबों की डिलीवरी फ्री होती थी, तो चाहे आप 200 रुपए की किताब मंगाओ, 150 रुपए की किताब मंगाओ, आपके घर पर फ्री डिलीवरी होती थी। फिर ऐसा होना बंद हो गया, फिर क्या रूल आया, 500 रुपए का मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए तब आपके पास फ्री डिलीवरी आएगी, वरना 40 या 60 रुपए लगते थे। फिर क्या आया, अमेजोन प्राइम ले लो तो डिलीवरी फ्री होगी। 2 साल बाद क्या हुआ, अमेजोन प्राइम में भी डिलीवरी चार्जेस लगने लग गए 500 रुपीज से कम के अगर ऑर्डर हैं तो, और मैं इसका खुद भुगत भोगी हूं, तो मेरे को ये कहानी पूरे अच्छे तरीके से पता है, मैं 7 साल से खुद अमेजोन का कस्टमर हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अल्टीमेटली सारा मॉडल उसी तरह का हो जाएगा, जैसे आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट पे जो डिस्काउंट आज से 8-10 साल पहले मिलते थे, उस तरह के डिस्काउंट अब नहीं आते हैं। तो ये ऑब्वियस है, ये मार्केट ऐसे ही चलता है, तो दुनिया में कोई भी मार्केट ऐसे ही चलेगा। तो ये कंपनियां शुरुआत में कुछ साल तक तो बहुत अच्छे प्राइसेस देंगी किसानों को, लेकिन अल्टीमेटली इन्हें भी अपना प्रॉफिट मार्जिन देखना होगा, तो धीरे धीरे ये प्राइस कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली अगर ये 1700 या 1800 रुपये किसान को देते हैं और किसान के आसपास की जो एपीएमसी मंडी है वो बंद हो चुकी है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर वो 4 साल 3 साल तक इनको बेच रहा है इसी प्राइस पर, तो वो 1700-1800 में भी बेचेगा। और किताब और अमेजोन का जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये तो हमारी लाइफ में इतना कॉन्सिक्वेंशियल नहीं है, किसान के लिए उसकी उपज उसकी रोजी रोटी है, उसका पूरा जीवन है, तो ये उसके जीवन के बारे में हम बात कर रहे हैं। और अगर ये प्राइस उसे सही नहीं मिला तो इसके कारण फार्मर सुसाइड्स तक कर लेते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कई सालों से कितने किसान भारत में आत्महत्या कर रहे हैं। तो किसानों का यहां पर ये कहना है कि सरकार एमएसपी को ना हटाए, हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से आश्वासन दे दिया है कि एमएसपी नहीं हटाया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि एमएसपी नहीं हटेगा, लेकिन ये जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे ना, इन पर कोई मिनिमम वैल्यू का सरकारी कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि सरकार इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ये नहीं कह सकती कि अगर एमएसपी 1925 रुपए है तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट भी मिनिमम 1925 रखें, ये बात इस कानून में नहीं लिखी हुई है। तो अगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट 1700 रुपए का भी है तो वो लीगल है, उसमें कुछ भी इलीगल नहीं होगा। किसानों का ये कहना है कि आप एमएसपी को इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस के साथ जोड़ दें, कि जो भी एमएसपी सरकार दे रही है कम से कम उतना पैसा ये कॉन्ट्रैक्ट वाले भी दें, लेकिन सरकार ये ऑब्वियसली करेगी नहीं, क्योंकि अगेन फिर तो ये एपीएमसी ही हो गया ना, फिर इसमें प्राइवेट मार्केट कहां से रह गया। तीसरा कानून है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, ये बात करता है होर्डिंग के बारे में। होर्डिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी सामग्री इलीगली इकट्ठा करके रख लेना। तो भारत में इस तरह की न्यूज़ पहले बहुत आती थी, जैसे कि कोई कृषि व्यापारी है या फिर यही मिडलमैन या फिर आड़तिया हैं, ये कई बार होर्डिंग करते थे, यानी कि 100 क्विंटल शक्कर इकट्ठा कर ली या 1000 क्विंटल अनाज इकट्ठा करके रख लिया, और जब प्राइसेस अच्छे होंगे तब उन्हें बेच देते थे, तो ये इलीगल था। भारत में इसके खिलाफ कानून बनाया गया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, तो उसके तहत कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किए गए हैं कि आप इतना क्विंटल ही स्टोर कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो इलीगल है। तो अब ये कानून में ढिलाई दी जा रही है कि आप चाहो जितना स्टॉक कर सकते हो, कौन, ये जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अनलिमिटेड स्टॉकिंग करी जा सकती है, और इसके कारण किसानों को ये डर है कि आर्टिफिशियल प्राइस फ्लक्चुएशन होगा, यानी कि एग्जैक्टली जो ये मिडलमैन पहले करा करते थे उसी तरह का काम अब ये प्राइवेट प्लेयर्स भी करेंगे।
ये क्या करेंगे, एक साथ बहुत सारा गेहूं खरीद लिया जब दाम सस्ते हैं, और जब अगला सीजन आया तो कहेंगे कि हमारे पास तो ऑलरेडी पड़ा है और हम 2200 रुपये नहीं दे सकते, अगर अब आपको 1400 रुपये पर क्विंटल पर गेहूं हमें देना है तो दो, नहीं तो हमारे पास तो ऑलरेडी है। तो यहां पर किसान फंस जाएगा, उसे बहुत ही कम भाव पर अपनी उपज को बेचना पड़ेगा, तो यहां पर किसानों का नुकसान हो सकता है। इन तीनों कृषि संशोधन विधेयकों के खिलाफ देश के कई किसान संगठन सड़कों पर उतर आए हैं, पिछले 10 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आढ़तिया के जो संगठन हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इनकी जो डिमांड्स हैं ओवरऑल, या फिर इनकी जो कंप्लेंट्स हैं, उनको मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ, कुछ बातें जो बिल्स के साथ स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं करी जा सकती थी। तो पहली कंप्लेंट ये है कि ये तीनों ही कानून कंपनीज के फेवर में है, कंपनीज को ये ज़्यादा फेवर करते हैं बजाय किसानों के। अगर सरकार चाहती तो किसानों को यहां पर लीगली प्रोटेक्ट किया जा सकता था, एम्पावर किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एमएसपी को जोड़ा जा सकता था कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो एमएसपी वाला रेट कम से कम किसानों को देगा। इस तरह की बातें इसमें नहीं बताई गई हैं। दूसरा, किसान कह रहे हैं कि एमएसपी है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी देश के लगभग सारे किसानों को एमएसपी पर उपज बेचने का मौका ही नहीं मिलता है। जो सरकार के खुद के सर्वेज हैं, कमेटी रिपोर्ट्स हैं, उनके अनुसार अराउंड 6% जो फार्मर्स हैं उन्हीं को एमएसपी का फायदा मिल पाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि सरकार 22-23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी घोषणा करती है, लेकिन असली में प्रोक्योरमेंट होता है केवल 2 या 3 क्रॉप्स का, उसमें भी मेनली चावल और गेहूं का प्रोक्योरमेंट होता है, बाकी किसी का बहुत रेयरली होता है। अगर पॉलिटिकल प्रेशर वगैरह है तो ही सरकारी खरीद होती है, वरना नहीं होती है। तो किसान ये कह रहे हैं कि एमएसपी को एक लीगल राइट बनाओ, कि एमएसपी पर बेचना किसान का अधिकार बन जाना चाहिए। अगर वो उपज लेकर आया है एपीएमसी तक, तो कम से कम एमएसपी का रेट उसे मिलना ही चाहिए, जो अभी नहीं होता है। इसके पीछे रीजन ये है कि एपीएमसीज में अपने आप में बहुत सारे फॉल्ट्स हैं, क्योंकि ये बहुत पुराना कानून है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें बहुत सारी समस्याएं आई है, जैसे कार्टलाइजेशन हो गया है, और एपीएमसीज भी परफेक्ट नहीं है। तो एपीएमसी को रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, इसे पूरी तरह से हटाने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान संगठन कह रहे हैं कि एपीएमसीज को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। अगला उनका पॉइंट है कि ये जो आढ़तियां हैं या फिर मिडल मैन है, जिसको सरकार कह रही है कि हम मिडल मैन को हटा देंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। अगर मिडल मैन सरकारी सिस्टम में लाइसेंस लेकर बैठकर खरीद फरोख कर रहे हैं, तो प्राइवेट कंपनीज के लिए भी तो कर सकते हैं। आज अगर मैं अपनी खरीद करने जाता हूँ, मान लो पंजाब के किसी शहर में मैं जाकर महिपाल आटा के लिए मुझे गेहूं खरीदना है, तो मैं थोड़े ना वहां किसी को पर्सनली जानता हूं, तो मैं जाके खरीद फरोख करूंगा, मैं भी तो किसी मिडल मैन से ही संपर्क करूंगा। तो वो सरकारी मंडी छोड़कर प्राइवेट मंडी में आकर बैठ जाएगा, वहां पर वो अपना काम चला लेगा, तो मिडल मैन तो रहेगा, चाहे वो सरकारी सिस्टम में रहे या प्राइवेट सिस्टम में रहे। फाइनली, कई इकोनॉमिस्ट्स का ये कहना है कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, किसानों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने की जरूरत है, उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए उनकी उपज के लिए, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एपीएमसी को सुधार करने की जरूरत है, ना कि प्राइवेट सेक्टर को बुलाने की जरूरत है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मार्केट फोर्सेज हैं, मार्केट फोर्सेज बहुत ज्यादा वेरी कर सकती हैं, और गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन चला जाएगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का रिफॉर्म सरकार करे, ना कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ये पूरा प्रोजेक्ट दे दे। उसके पीछे रीजन ये है कि ये कोई छोटा मोटा सेक्टर नहीं है, देश की लगभग 40 से 45% आबादी डायरेक्टली इस पर निर्भर करती है। तो ये कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर केवल 50 लाख लोग या 40 लाख लोग अफेक्ट करेंगे, ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है, इट इज दी लार्जेस्ट इंडस्ट्री, अगर आप इसे कहना चाहें, ये देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जहां पर देश की लगभग आधी आबादी डायरेक्टली निर्भर है। इस पूरे टॉपिक को पिछले 10 दिन से मैं भी काफी क्लोजली फॉलो कर रहा हूं, और मेरे दिमाग में दो एग्जाम्पल आए थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहला एग्जाम्पल है बीएसएनएल का, ठीक है, ये दोनों अनरिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं बाय द वे। तो बीएसएनएल का एग्जाम्पल है, बीएसएनएल के पास एक समय बहुत अच्छा नेटवर्क था, बहुत अच्छा मार्केट शेयर था, मोबाइल फोन नेटवर्क में मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी उपक्रम है बीएसएनएल। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे बीएसएनएल पिछड़ता गया, दूसरी कंपनीज एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सब आगे बढ़ गई, बीएसएनएल बहुत पीछे छूट गया। अब सरकार ने अपनी तरफ से ये कहा कि हम तो ग्राहकों के सेवा के लिए मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल कंपनी हमने बना रखी है, आप सरकारी सेवा चाहते हैं तो आप बीएसएनएल के फोन्स का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सर्विस नहीं थी यहां पर, और कस्टमर को यानी कि हमें एयरटेल या दूसरी कंपनी से बेटर प्लान मिल रहा था, अच्छी सर्विस मिल रही थी, तो ऑब्वियसली हम लोग वहां जाएंगे, और यही हुआ। अब अल्टीमेटली क्या है कि ये सरकारी सेवा 10 साल के अंदर अंदर ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर आ चुकी है, आप सभी जानते ही हैं इसकी स्थिति क्या है। जब दूसरी सर्विसेज थी तो बीएसएनएल सर्वाइव नहीं कर पाया, और आपको मैं बता दूं कि आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे गांव हैं जहां पर एयरटेल और प्राइवेट कंपनीज के नेटवर्क नहीं है, लेकिन बीएसएनएल का नेटवर्क है, क्योंकि ये एक सरकारी कंपनी थी। तो उन गांवों को बहुत नुकसान होने वाला है अगर बीएसएनएल कंपनी बंद हो जाती है, उसके टावर बंद हो जाते हैं, क्योंकि वहां तक प्राइवेट प्लेयर्स अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके लिए वो प्रॉफिटेबल नहीं है, मुनाफा नहीं है छोटी जगहों पर टावर लगाना।
तो इन बिल्स की जो आलोचना कर रहे हैं उनका भी यही कहना है कि एपीएमसी सरकारी मंडियां भी कुछ इसी तरह से धीरे धीरे बंद हो सकती हैं। एक साल में नहीं होंगी लेकिन 5 साल 10 साल में हो सकती हैं, और इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे कि बीएसएनएल। दूसरा उदाहरण है जियो का। जियो भारत के मार्केट में 2016 में एंट्री करता है, फ्री में सिम दिए गए, इंटरनेट प्रैक्टिकली फ्री था, पूरी तरह फ्री नहीं था लेकिन बहुत सस्ते प्लान थे, तो बहुत जल्दी इन्होंने एक बड़े मार्केट सेगमेंट पर कैप्चर कर लिया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड 30% मार्केट शेयर मोबाइल फोन नेटवर्क्स का जियो के पास आ गया था विद इन 2 ईयर्स। लेकिन फिर क्या होता है, 2018-2019 में इन्होंने अपने प्लान थोड़े से बढ़ा दिए, थोड़े से महंगे कर दिए, और अब भारत में केवल 3 ही बड़े प्लेयर हैं इस मार्केट में, टेलीफोन वाले मार्केट में। तो अब इन तीनों के हाथ में है, जो चाहे ये प्लान रख सकते हैं। अगर जियो तीनों मिलके अगर डिसाइड करें कि आज इंटरनेट बहुत सस्ता है, 1 GB पर डे आपको मिल जाता है, अगर ये रिस्ट्रिक्ट हो गए 500 MB हो जाएगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वी आर एट द मर्सी ऑफ द मार्केट फोर्सेस, है ना। हम सरकार को ये नहीं कह सकते कि जियो को जाके बोलो कि 1 GB की जगह 2 GB करे, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज इलीगल। तो कुल मिला के मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्राइवेट जब मार्केट फोर्सेस आ जाती हैं तो मार्केट फोर्सेस के विम्स एंड फैंसीज पे होता है सब कुछ। अब मोबाइल फोन सेवा भी एक तरह से एसेंशियल सेवा है लेकिन ये आपके प्लेट में खाना नहीं देती है। तो इस पूरे सिनेरियो को अगर मैं समराइज करूं तो इसमें देखो दो चीजें हो सकती है भविष्य में इन कानूनों के कारण। पहला है सिनेरियो ए कि प्राइवेट मार्केट्स के आने से किसानों को बहुत अच्छे प्राइसेस मिले, मार्केट सुधर जाए, एपीएमसीज में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्राइवेट मार्केट सॉल्व कर दे, किसानों का भविष्य सुधर जाए और डबल इनकम हो जाए, बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद पर्सनली चाहूंगा कि ऐसा हो। लेकिन दुनिया की सच्चाई हमें और एग्जाम्पल पुराने ये बताते हैं कि दूसरा सिनेरियो भी पॉसिबल है, यानी कि अगर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, एमएसपी मिलना तय नहीं है किसानों को, तो कंप्लीटली किसान मार्केट के फोर्सेस पर होंगे, कॉरपोरेट के विम्स एंड फैंसीज पर होंगे, और जो भी प्राइस उन्हें मिलेगा वो उन्हें लेना पड़ेगा। तो इससे किसानों को नुकसान होगा लॉन्ग टर्म में। अब होगा क्या ये तो भविष्य ही बता सकता है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, बट जो भी प्रोज एंड कॉन्स थे वो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।